अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है जी संडे का दिन, और संडे को नॉर्मली मैं छत पे आता हूँ और अपने दूसरा जो सीलकंडा देखा वो भी, और ज़रा पौधों को भी ज़रा देखता हूँ कि क्या सीन है। खैर, जो सीलकंडे रखे हुए थे उसकी भी मैं आपको स्टूडियो में अपडेट दूंगा कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, अंडे आया तो नहीं हुआ या नहीं हुआ, तो वीडियो देख लीजिएगा। और बाकी गजरे लगाई हुई थी कुछ, उसको भी एक दो आज निकाल कर चेक करेंगे कि उसकी क्या अपडेट है। तो खैर, ये दोनों काम आज करने हैं, प्रायोरिटी पे इसको सिलेक्ट करते हैं। मुर्गियाँ लेकर आए थे और इनको जो है ना वो एंड वाले सेक्शन में बंद किया था, लेकिन उन्होंने ना इनको इतना मारा कि इनकी दोनों की ना आंखें ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए जो है ना अब इनको ड्रॉप्स डाल रहे थे। खैर, अब इनको खुला छोड़ा है कि थोड़ा सा ना इनको हवा वो लगे, और थूक शूप निकली नहीं हुई, लेकिन थूक शूप इनको लगे और थोड़ा सा ना ये ज़रा सेट होना शुरू हो। जो गाजर लगी हुई है ना, तो दिल कर रहा है इसको ना निकाल के चेक करूँ, ये वाली ये ज़रा लग रही है अच्छी, तो इसको हम ट्राई करते हैं निकाल के कि ये कैसी बनी हुई है। और ये निकली नीचे से, मतलब वो कट्ठी सासर लगी हुई थी ना, तो ये इसका कुछ सीन फंसी हुई है। और इसके साथ वाली भी ट्राई करते हैं, और देखते हैं और कोई बड़ी अगर बनी हो। ये भी एक बनी हुई है, मैं वो निकाल रहा हूँ जो ज्यादातर जो है ना इनका जरा तना मोटा है। और एक ये वाली गाजर टूट गई, इसका बाकी पोर्शन देखते हैं। जो टूट गई थी ना इसका पोर्शन ये है। खैर, और देखते हैं, और ये बाकी को बढ़ने देते हैं। फिलहाल इतनी जो है ना मैंने तोड़ी है और ये खाने के काबिल लग रही हैं। बाकी जो ये वाला पौधा है, ये मुझे लग रहा है जी बंद गोभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बंद गोभी यहाँ पे कैसे आ गई। बाकी ये कुछ हमारे लगे हुए हैं करेले, इनको भी हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये बड़े होंगे नहीं और फिर जो है ना ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो इनको भी हम तोड़ लेते हैं। और कोई लगा नज़र आ रहा है नहीं, और जो है ना ये छोटे हैं, ये भी बने बड़े हो जाएं। बाकी तो जो मैंने पनीरी लगाई थी, बेसिकली मेरे से गलती यहाँ पे क्या हुई कि मैंने ना यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा खाद डाल दी थी, जिसकी वजह से ना वो जल गए। ये करेला लगा हुआ है, ये पता नहीं कैसा, लेकिन इसको भी उतार लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल ये बड़ा होगा। ये भी कच्चा है मेरे ख्याल से, इसलिए टूट ही नहीं रहा, टूट गया हैं जो मैंने इस टाइम तोड़ी हुई है। बाकी अपने छोटे चूजे भी ये रखे हुए हैं, ये जो दो मुर्गी हैं उनको इधर रखा हुआ, तो ये गाजरें इनको अब धोते हैं अच्छी तरह। और एक छोटी सी भी निकला, ये भी बनने के करीब ही थी। खैर, इनको धोते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इनका धोने के बाद जो है ना रिजल्ट निकल, ये जड़े क्या हैं ये नहीं मुझे पता, मे बी इन्होंने शायद और बड़ा होना, तो मैंने इनको टाइम से पहले जो है ना निकाल ली इस वजह से। खैर, जो इनकी ये पत्ते जो हैं ये मैं इनको डाल देता हूँ, बाकी ये चीज़ें हम ट्राई करके चेक कर। तकरीबन दो हफ्ते हो गए हैं मैंने अंडे रखे हुए थे असली के अंदर, तो पिछले दिन एक सीन ये हुआ कि एक अंडा जो है ना वो हो गया था ख़राब, तो वो तो मैंने फेंक दिया। खैर, दूसरे अंडे की ना अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ।
तो एक अंडा तो हो गया था खराब, बाकी दूसरा अंडा देखते हैं जी। ये पड़ा हुआ है और इसका कबूतर भी जो है ना वो इधर ही बैठा हुआ है। बाकी जो दूसरा अंडा था वो दो दिन पहले खराब हो गया तो उसको फिर हमने फेंक दिया। खैर इसका भी तकरीबन एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम पता लग जाएगा कि अंडा निकलता है या नहीं निकलता। खैर उम्मीद पूरी है कि शायद एक निकला है, तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या बनता है। खैर ये जो मेरे लगे हुए थे शलजम, इसमें ये शलजम भी रेडी हो चुका हुआ है, तो इसको भी जो है ना हम निकाल लेते हैं और भी कोई देखते हैं कि अगर कोई शलजम बन चुका हुआ है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। खैर अभी और नहीं बने, थोड़े से जो सब्जियां लगाई हुई हैं मैंने, खैर वो तोड़ के मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।